इंसान क्यों ना है वेतन दो, इंसान क्यों ना है वेतन दो, ये सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा, ये सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, सत्येंद्र जैन होश में आओ, खुशखबरी आई है। अभी 5 मिनट पहले फोन आया, उन्होंने फोन पर बताया कि हमने आपके मेल पर एक चिट्ठी भेजी है, आप उसको देख लीजिए। तो हमने तब तक मेल देखा, हम लोगों को तब मिला नहीं था, अभी अभी चिट्ठी आई है। अभी तक जितनी बार भी हुआ हम ही लोग सरकार के दरबार में गए, मंत्री जी के दरबार में गए, जाकर के उनको बोला और बताया। अभी अभी डिपार्टमेंट से चिट्ठी आई है कि हम आपसे तुरंत हम बातचीत करने के लिए बैठना चाहते हैं। उन्होंने इसमें भाषा लिखी है कि हम तुरंत ही आप लोगों के साथ बैठ करके सारे मामले पर बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने हमसे टाइम मांगा है, हमसे टाइम मांगा है कि आप कब बैठना चाहते हैं हमें बता दीजिए। इससे आप समझ सकते हैं कि आपका संदेश कितनी दूर तक चला गया है, ये कितनी दूर तक संदेश गया है। अभी इस चिट्ठी के जवाब में हमारे जो अधिकारीगण हैं, मंत्रीगण हैं, उनको हम अपनी दवा यूनियन की तरफ से विधिवत तरीके से हम सूचित करेंगे। और हमारा 10 आसाम लीडर का एक डेलीगेशन बाकायदा उनके पास जाकर के मिलेगा। आप सबको पता है कि हम लोगों ने पिछली बार जब मीटिंग हुई थी, अपनी 15 जो हमारी दवा यूनियन की लीडर है उनका नाम की घोषणा भी की थी कि ताकि सबको पता चल जाए। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि उसके बाद में हमारी कम से कम भी 50 लीडर और तैयार हो गई, और 50 को हम अंदर भेज नहीं सकते, 50 को हम भेज नहीं सकते, हम लोग 10 को लेकर के जाएंगे। आज ये धरना चौका तो बरकरार इसी तरीके से चलेगा, और हम जो मिलने का टाइम देंगे वो चाहे आज शाम का हो या कल का हो, जैसा कुछ भी होगा वो कल धरने पर ही तमाम को सूचना दी जाएगी। और हमारा जो कार्यक्रम है हड़ताल है, और फोन पर फोन आ रहे हैं कविता जी के पास, उन्होंने मेरे कान में आकर के बोला कि मैं अनाउंस कर दूं कि बड़े मंत्रियों के साथ का तो टाइम हुआ होगा जो हम देंगे, लेकिन जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो वार्ताकार बनाया गया है, केजरीवाल की तरफ से वार्ताकार बनाया गया है दवा यूनियन के साथ बात करने के लिए, डॉक्टर रत्नेश, उनका अभी फोन आया है कि आप अपना एक डेलीगेशन तुरंत मेरे पास भेज दीजिए, मैं अभी बात करना चाहता हूं। तो आपकी हड़ताल का जो संदेश है वो बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। अभी हमारे जो अध्यक्ष हैं यूनियन के अध्यक्ष साथी मैनेजर चौरसिया जी, उनकी देखरेख में रत्नेश जी के पास हमारा केवल 5 आशाओं का ही डेलीगेशन जाएगा, क्योंकि वहां पर बात खत्म नहीं होगी। जो बात वहां होगी हमने पहले ही वादा किया है कि जो फैसला हम करेंगे वो पहले आप लोगों से समझौता होगा, पहले आप लोगों से हामी भरी जाएगी, उसके बाद वहां पर लिख करके दिया जाएगा, उसके पहले कुछ भी लिख करके नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए हमारी जो 5 आशा लीडर है वो जाएंगी। मैं अभी कुछ देर में
बताता हूँ कि कौन पांच आशा लीडर जाएंगे अभी डॉक्टर रत्नेश जी के पास में मिलने के लिए, और हमारा जो आंदोलन है वो आंदोलन हमारा उसी तरीके से चलता रहेगा। सोमवार का भी जो हमारा ऐलान है, जो उप मुख्यमंत्री के घर पे जाने का, वो भी हमारा चौका तो रहेगा। जब तक बात कंप्लीट नहीं हो जाएगी आंदोलन जारी रहेगा, हड़ताल जारी रहेगी। और जैसा हमारे नेता बोल के गए कि अगर आशा को किसी को एक को भी हाथ लगाया निकाला तो ये जीत तब होगी जब हमारी सारी आशाएं काम कर रही होंगी, उसके पहले नहीं। जीत का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ मिल जाए और हमारी 50 आशाओं को बाहर कर दिया जाए, नहीं, 50 आशा पहले चाहिए, उसके बाद बाकी चीज चाहिए। ये लड़ाई इसी तरीके से लड़ी जाएगी।